क्लाइंट को हमें नेल्स की लेंथ पूछ लेनी है सबसे पहले। तो लास्ट वीडियो में हमने आपको ये नेल्स चिपकाने बताए थे, और इस वीडियो में हम आपको एक्रेलिक बताएंगे। उससे पहले हम इन नेल्स को कट करेंगे, ऐसी ऐसी मतलब लेंथ रखेंगे जिसमें क्लाइंट कंफर्टेबल हो और अच्छा भी लगे, दोनों चीज़ें हो। तो हम ये एक टूल आता है जो नेल आपके नेल टिप्स कट होते हैं, इससे इसमें आपको बहुत ही तरीके से इसको सेट करके और जहाँ से हमने चिपकाया वहाँ पर हाथ रखेंगे और इसको ऐसे से कट कर देंगे। इसी टाइप से हम बाकी नेल्स भी कट कर देंगे। आपको अंदाज़ा पूरा होना चाहिए कि आपने लास्ट नेल्स कितना कट किया है। नेल्स छोटे बड़े नहीं होने चाहिए, और अगर आपको लगता है तो जब आप शेप देंगे तो उसमें आप एडजस्ट कर लेना। इस टाइप से आपको कट कर लेना है। अब आप इसको शेप देंगे, मैं इसको स्क्वायर शेप ही देने वाली हूँ। स्क्वायर शेप में आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होती, आपको सिर्फ ये जो पॉइंट है इसको आपको हल्का सा रफ करना है। इस टाइप से आपको शेप देनी है। शेप कितने टाइप्स की होती है उस पर भी मैं एक वीडियो डाल दूंगी, तो आपको इजी रहेगा कितने टाइप की शेप होती है, उनको कैसे देनी होती है, उसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है। मैं आपको डायरेक्ट एक्रेलिक बता रही हूँ ताकि आप बाकी आगे जो प्रैक्टिस वीडियोस देखें तो आप साथ साथ में एक्रेलिक की आपकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। आप किसी भी क्लास में जाते हैं तो आपको डायरेक्ट एक्रेलिक नहीं बताते हैं, वो पहले आपको प्रैक्टिस करवाएंगे, फिर आपको नेल आर्ट कराएंगे, फिर वो एक्रेलिक करवाते, तब तक आपके कोर्स के दिन कंप्लीट हो चुके होते हैं और आप एक्रेलिक की प्रैक्टिस नहीं कर पाते। जो कि मेन चीज़ या जो हार्ड है नेल आर्ट में वो एक्रेलिक ही है। जेल एक्सटेंशन बहुत ईजी है, मैं आपको ये एक्रेलिक जब आप कर लोगे जेल बताऊंगी तो आप एक दिन में सीख जाएंगे। तो इस टाइप से आपको शेप दे देनी है नेल्स को। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी इसलिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्रेलिक बताऊंगी, इसके ऊपर एक्रेलिक एप्लीकेशन बताऊंगी। पहले हमने हमारे ओरिजिनल नेल्स को रेडी किया था फेक नेल चिपकाने के लिए, अभी हमने जब नेल टिप चिपका दिए हैं तो अब हम इनको रेडी कर रहे हैं इस पर एक्रेलिक करने के लिए। इनको रेडी, सबसे पहले इनको शेप देना है, देन उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना है। इस टाइप से हमने ये सारे नेल्स को यहाँ से घिस लिया है, प्रॉपर शेप दे दी है सभी नेल्स को। अब हम इन्हें क्लीन कर देंगे। अब मैं बाकी का आगे का जो प्रोसेस है वो नेक्स्ट वीडियो में डाल रही हूँ, तो अभी के लिए इतना ही।